सभी साथियों को राम राम नमस्कार उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे तो फाइनली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है आप सभी को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सोमवार को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो आज आपका नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो चुका है कब से फॉर्म अप्लाई होंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा फिजिकल क्या होगा हाइट कितनी होनी चाहिए सिलेबस क्या रहेगा ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं और आप आप सभी सभी को को पूरी देते हैं नोटिफिकेशन आपका आ चुका है तो तैयारी में भी लग जाना है और तैयारी के लिए आप सभी के लिए यहाँ पे बुक भी आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की जिसमें आपको जनरल नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही में जनरल साइंस के क्वेश्चन और आपको हरियाणा की जनरल नॉलेज भी आपको देखने के लिए मिल जाती है साथ ही में सभी सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे आज तक की डेट के जिसमें 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ साथ ही में ये वोकैब को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिल जाती है और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज जो कि आप सभी के लिए एच एसएससी सीटेट के लिए वोकैब सभी को मिल जाती हैं और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक की तो आप सभी को ये बुक भी मिल जाएगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रीजनिंग तो के के लिए लिए भी पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाएगी आपके एग्जामिनेशन उन्नीस सौ प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं आज तक की डेट के साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको सामान्य ज्ञान में दिक्कत है तो सामान्य ज्ञान की आप सभी को करण पब्लिकेशन की बुक देखने के लिए मिल जाएगी जो की वर्ल्ड लाइनर अप्रोच आप सभी की आती है एनसीआर टी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है साथ ही में सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी के कवर हो जाते हैं और इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हैं ताकि इस बार आपका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो पाए सबसे पहले यहां पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया है डेट ऑफ पब्लिकेशन देखेंगे तो 12 फरवरी सन 2024 साथ ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप सभी को बताई गई है कि 20 फरवरी 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी रहेगी 21 मार्च 2024 यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात देखने के लिए मिली है आज तक मुझे किसी भी स्टेट पुलिस में ये देखने के लिए नहीं मिला है कि आपको कोई एप्लीकेशन फीस ना देनी हो यहाँ पे आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पे प्लस पॉइंट दिया गया है इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में और यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में तो देखो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे आपकी वेकेंसी आपको बता दी गई है कि यहाँ पे टोटल आपकी पांच जो पोस्ट रहने वाली है वो रहेंगी मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ड्यूटी की और एक हजार जो पोस्ट रहने वाली है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है यानी कि टोटल जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है छह हजारसी का पूरा डेटा आप सभी को दिया गया है अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आप सभी को बता दें कि कोई भी व्यक्ति जिसने ट्वेल्थ पास कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है लेकिन आपके पास दसवीं में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है अगर आपके पास दसवीं में यानी क्लास में हिंदी या संस्कृत में, में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं साथ ही में अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आपके पास इसके अलावा कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको इसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे नंबर जो आपका पूरी तरह से सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे और कुछ आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है सैलरी की बात करें तो इक्कीस हजार सात सौ से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है लेवल थ्री की आपको सैलरी मिलती है साथ ही में एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से पच्चीस आपका एस क्राइटेरिया होना चाहिए उम्र की गणना आपकी एक फरवरी सन 2024 से की जाएगी साथ ही में पे ईयर का रिलैक्सेशन भी आप सभी को दिया गया है यानी कि जनरल क्राइटेरिया में 18 से 28 साल तक सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जानी चाहिए बाकी का क्वालिफाइंग टेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल वगैरह के बारे में दे रखा है तो वो सारी चीजें आप सभी को अभी क्लियर कर देते हैं बाकी का यहाँ पे एक आप सभी का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा नॉलेज टेस्ट उसका वेटेज आप रहेगा 94.5 परसेंट बाकी का 5.5 परसेंट जो आपका रहेगा वो एडिशनल वेटेज रहेगा जिसमें आप सभी को एनसीसी के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे और एनसीसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन परसेंट मार्क्स आपके एनसीसी के रहेंगे साथ ही में 2.5 परसेंट जो मार्क्स रहेंगे वो आपके सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के रहेंगे तो साढ़े पांच नंबर जो आपको रहेंगे वो इसी बेसिस पे आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे बाकी का चौरानवे दशमलव पांच अंक आप सभी को जो होंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे चार फेसेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड रहेगा पहला पीएमटी जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा हाइट और चेस्ट आपकी मापी जाएगी नंबर सेकंड रहेगा फिजिकल जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होगी इसके अलावा नंबर थर्ड आप सभी का रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि नाइनटी फोर मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा 100 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे साथ ही में नंबर फोर पे आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर हम लंबाई की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई एक सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एक सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर फीमेल की हाइट की बात करें तो एक सौ अट्ठावन एक सौ अट्ठावन सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में एक सौ छप्पन सेंटीमीटर सकते हैं मेल कैंडिडेट के, के लिए चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे किया जाता है तो नॉर्मल जो आप चेस्ट आपकी होनी चाहिए तिरासी सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के, के लिए पांच सेंटीमीटर का सॉरी चार सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा गया है और एट्टी सेवन सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाव के साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इक्यासी सेंटीमीटर से लेके पचासी सेंटीमीटर सीन आपका रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए तो ये आपका होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तो आपको लंबाई एस, आपको लंबाई क्वालिफिकेशन एज मेन चीज ये क्लियर हो गई है आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप सभी को बता दें के इसके लिए अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं सीई टी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो की हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाता है अगर आपने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यानी कि इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन आपका कंपलसरी है उसी के बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी जो रनिंग होगी वो ढाई किलोमीटर की रनिंग होती है बारह मिनट में आपको पूरी करनी होती है महिलाओं के लिए यहाँ पे एक किलोमीटर की रनिंग के लिए छह मिनट का समय दिया जाता है अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो एक किलोमीटर की रनिंग आपको पांच मिनट में पूरी करनी होती है तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 94.5 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में जिसे ज्ञान परीक्षा आप कह सकते हैं साथ ही में हर एक के लिए समान अंक आप सभी को दिए जाएंगे यानी कि पॉइंट नाइन फोर फाइव यहाँ पे मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे क्योंकि आपके हंड्रेड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं तो ये आप सभी को क्लियर कर दिया गया है तो रिटर्न एग्जामिनेशन में यहाँ में समान अध्ययन आप सभी का रहेगा बुक मैंने आप सभी को बता दिया समान विज्ञान समसाय की समान तर्क बौद्धिक क्षमता संख्यात्मक योग्यता कृषि पशुपालन और अन्य संबंधित क्षेत्र ट्रेड इत्यादि के प्रश्न हो गए कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान से संबंधित कम से कम दस प्रतिशत प्रश्न तथा हरियाणा के बारे में बेसिक ज्ञान से संबंधित कम से कम बीस प्रतिशत प्रश्न होंगे प्रश्नों का जो स्तर होगा सिपाही पद के लिए टेन प्लस टू लेवल का यहाँ पे रहने वाला है तो ये आप सभी को यहाँ पे क्लियर होना हो जाना चाहिए बाकी का आप सभी को नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो सभी यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहेंगे ऑब्जेक्टिव बेसिस का आपका पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर आएगा